गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। यह आपका पार्ट फोर वीडियो चैप्टर का पार्ट फोर वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे पिछले वीडियो से रिलेटेड जितने भी हम फॉर्मूले पढ़े थे उसी के शॉर्टकट फॉर्म के बारे में। आपको याद होना चाहिए हम लोग पिछले वीडियो में कुछ नियम को प्रूव किए थे। पहला जैसे था आपका साइन माइनस थीटा बराबर हम लोग लिखते थे माइनस साइन थीटा। दूसरा था आइडेंटिटी आपका कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तीसरा था आपका टैन टैन माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा। चौथा था आपका चार नंबर था कॉसेक कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। पांचवा था आपका सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है। छठा था आपका कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। तो ये जो आइडेंटिटीज दिख रहे हैं, ये जितने भी फॉर्मूले आप दिख रहे हैं, ये हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में है ना, बिना याद किए बिना प्रूफ किए कैसे समझेंगे इसको, ठीक है। तो और साथ ही साथ हम ये भी कुछ फॉर्मूले देखे थे, याद होना चाहिए आपको कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। दूसरा था कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक। उसके बाद तीसरा हम लोग देखते हैं टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ठीक है। चौथा कॉट 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर देखे थे टेन थीटा, याद है ना सब आपको। फिर उसी तरह से आप देखे थे कॉसेक कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और छठा था आपका सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ये कुछ फॉर्मूले हम लोग प्रूफ कर करके देखे थे, इन सबको साबित भी किए थे आपको। लेकिन हम लोग आज सीखेंगे कि इसे बिना याद किए कैसे समझा जाएगा। अब जरूर नहीं कि यही फॉर्मूले होंगे, आगे चल के आपका यहाँ फॉर्मूला शुरू हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा का, ठीक है। फिर 180 माइनस थीटा का भी शुरू हो जाएगा, है ना। जैसे साइन 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, ऐसे बहुत सारे एंगल्स आते जाएंगे, इनके फॉर्मूले क्या होंगे। तो इसी बारे में आज हम लोग इसको शॉर्टकट में समझेंगे कि इसको डायरेक्टली हम लोग कैसे कर सकते हैं बिना याद किए बिना प्रूफ किए। तो जितना आपको प्रूफ कराए थे अब सबको प्रूफ करेंगे तो बहुत सारे वीडियोज हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग उसको अब डायरेक्टली सीख लेते हैं कि कैसे आप इसको फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके लिए हम लोग यहाँ देखिए ये एक्स अक्ष लेते हैं, ठीक है, और इस पे एक हम लोग वाई एक्स ले लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई एक्स ले लेते हैं। इस पे दिखा देते हैं कौन एक्स अक्ष है कौन वाई एक्स है। ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये आपका वाई और नीचे वाई डैश। आपको याद होना चाहिए कि पहले हमने बात किया था कि प्रथम पाद इसे बोलते हैं, द्वितीय पाद इसे बोलते हैं, तृतीय पाद इसे बोलते हैं और चतुर्थ पाद इसे बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले पाद में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होते हैं, ऑल पॉजिटिव होता है। दूसरे में आपको बताया था कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो होता है ना पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। अच्छा, तीसरा आपको बताए थे कि टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। चौथे में बताए थे आपको कि सेक और कॉस कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब इसमें निगेटिव होते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इतना तो याद है आपको। अब ये ध्यान रखेंगे कि x एक्सिस पे लिखेंगे नो चेंज नो चेंज। अब आप सोच रहे होंगे सर ये नो चेंज का मतलब क्या है, अभी आपको समझाते हैं। और y एक्सिस पे चेंज होता है, y एक्सिस पे चेंज करेंगे और x एक्सिस पे नो चेंज होता है। अब इसका मीनिंग क्या है, तो जब चेंज करना होगा, इस थोड़ा ट्रिक है आपको याद रखना होगा, जब चेंज करना होगा तो साइन को चेंज किया जाता है कॉस में और कॉस को चेंज किया जाता है साइन में, टेन को चेंज किया जाता है कॉट में और कॉट को चेंज किया जाता है टेन में, और एक और बच गया सेक को किया जाता है सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए तो अब इसको समझते हैं।
ये जो छह फॉर्मूले हैं इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप हर एक में देख रहे हैं माइनस थीटा हो जा रहा है, तो इसका वैल्यू जो है यहाँ कॉस वाले में और सेक वाले में पॉजिटिव आ रहा है, इसका फॉर्मूला कॉस वाले में और सेक वाले में पॉजिटिव है, बाकी जब का क्या है माइनस ही बाहर निकल जा रहा है। तो यहाँ से देखिए जब माइनस थीटा की बात करिएगा तो यही ना होते हैं, इसी को हम लोग मानते हैं प्रारंभिक किरण, तो भ्रामक किरण इसमें आ जाएगी ना, तो चौथे क्वाड्रेंट पे आपको पता है कि सेक और कॉस क्या होता है प्लस का होता है, इसीलिए सेक और कॉस जो है प्लस का है, देख रहे हैं ना सेक और कॉस दोनों प्लस का है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर है और बाकी सब माइनस का है। ठीक है, तो यहां से आपको ये पता चल गया कि पहले यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि चल जा रहा फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते ही साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होगा, क्योंकि इसमें सेक और कॉस प्लस का होता है, सेक और कॉस प्लस का होता है, इसीलिए दोनों प्लस में आ जा रहा है बाकी सब माइनस रहा है। ये क्लियर होगा। चलते हैं अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ लिखे हैं कॉस थीटा, तो देखिए जब यहाँ से 90 की बात करेंगे तो ये कोण इस पे आ जाएगा, ऐसे बनेंगे तो 90 चले गए वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे क्या बताया है चेंज। ठीक है, आपको इसमें यही सोचना है कि चेंज होगा कि नहीं और प्लस लगेगा कि माइनस, और कुछ नहीं सोचना है। तो यहाँ क्या चला गया y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे क्या हो गया चेंज, 90 आते ही y एक्सिस पे चला गया, y एक्सिस पे में चेंज होता है, तो चेंज क्या होगा तो साइन है, तो साइन का ऊपर देखिए आप बताए थे कॉस में चेंज होता है, साइन का किस में चेंज होता है कॉस में चेंज हो जाता है। अब इतना तो पता चल गया, अब सोचना है कि माइनस आएगा कि प्लस, तो जब 90 में से थीटा जब घट जाएगा तो पहले पाद में ही ना रहेगा, 90 तो ये रहा, थीटा जब घटेगा तो कोण किस में रहेगा पहले पाद में ही रहेगा, तो पहले पाद में सब प्लस का होता है इसलिए ये भी प्लस में है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 यहां आ गया y एक्सिस पे है तो चेंज करेंगे तो कॉस का किस में चेंज होगा साइन में, और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है इसलिए प्लस में, टैन का कॉट में हो गया, कॉट का टैन में हो गया, कॉसेक का सेक में हो गया, सेक का कॉसेक में हो गया, और सब प्लस में रहेगा क्योंकि सब किस में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ रहा है। क्लियर है यहां से, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग 90 प्लस थीटा के टर्म में लेकर चलते हैं, पहला लेते हैं साइन 90 को, अच्छा पाई बाई टू लिखे तो कोई दिक्कत है, 90 प्लस थीटा इसको 90 ना पढ़ेंगे, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा यानी 90 प्लस थीटा। चलिए अब 90 चले तो 90 कहाँ पे आ गया आपके वाई एक्स पे आ गया, तो वाई एक्स पे क्या बोले हैं चेंज, तो साइन है तो किस में चेंज होगा कॉस में, कॉस में चेंज हो गया कॉस थीटा आ गया। अब देखिए 90 प्लस थीटा हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया, तो 90 यहाँ आया प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री कर गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री करते ही आपको पता है ये क्या है साइन है, यहां से नहीं देखना है, जो यहां से नहीं जो रखा जा रहा है यहाँ इससे देखना होगा आपको, साइन है इसलिए प्लस में रहेगा, यहां से नहीं देखना है कि ये कॉस है तो माइनस मत लगा दीजिएगा, यहां से आपको देखना है। ठीक है, दूसरा देखिए कॉस 90 प्लस थीटा पाई बाई टू प्लस थीटा, तो कॉस की बात करें तो 90 तो चला गया वाई एक्स पे, तो वाई एक्स पे चेंज हो जाता है, कॉस का क्या हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है माइनस का होता है ना, इसलिए माइनस लग गया। ठीक, तीसरा देखिए, तीसरा हम चलते हैं टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन 90 प्लस थीटा की बात करिएगा, तो 90 आ गया तो यानी कि वाई एक्स पे चेंज होता है, टेन का किस में होता है कॉट में होता है, और 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस प्लस का, तो टेन था ना इसलिए माइनस लग गया। ठीक है, चौथा देखिए हम लोग देखते हैं कॉसेक 90 प्लस थीटा की, कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो 90 आ गया यानी कि कॉट का चेंज हो जाएगा किस में, तो कॉट का चेंज कॉसेक का किस में चेंज हो जाएगा सेक में, और 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक है ना ये, तो कॉसेक है तो प्लस में ही रहेगा, समझ गए। पांचवा देखिए, पांचवा हम लोग देखते हैं अब किसका बचा सेक का, सेक 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो सेक 90, तो 90 में आया तो चेंज हो जाएगा, तो सेक का किस में होगा कॉसेक में चेंज होगा, तो ये कॉसेक में चेंज कर देते हैं, कॉसेक थीटा में चेंज हो गया। चलिए ये 90 प्लस थीटा आ गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस का, यहाँ क्या है ये सेक है इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा। छठा देखिए, अब एक बच गया कॉट का, तो कॉट 90 प्लस थीटा, तो 90 आते ही ये वाई एक्सिस पे चला गया, तो वाई एक्सिस पे चेंज कर देंगे, तो कॉट का किस में चेंज हो जाएगा टेन में, और प्लस थीटा मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री कर गया, ये साइन और कॉसेक प्लस का, ये तो कॉट है ना, तो यहाँ तो माइनस रहेगा। तो यहाँ से आपको समझ में इतना तो जरूर आ गया होगा कि ये किस तरह से फॉर्म हुआ है। तो इसमें दो ही चीज आपको ध्यान देना है, पहला कि चेंज होगा कि नहीं,
जो चेंज होगा तो आपको पता ही है कि साइन का कॉस में कॉस का साइन में, टेन का कॉट में कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में कॉसेक है सेक में चेंज करिएगा। ये सोचना है कि चेंज होगा कि नहीं, और दूसरा चीज क्या सोचना है कि प्लस होगा कि माइनस, बाकी और इसमें कुछ ध्यान नहीं देना है। तो इसको जितना आप प्रैक्टिस करिएगा ना, आप साइन में ऐसे रफ कर लीजिए, इसको दोबारा रिपीट करके आप शुरू करिएगा, साइन माइनस थीटा से स्टार्ट करिएगा, फिर साइन वाले माजिएगा 90 माइनस थीटा से शुरू करिएगा, फिर 90 प्लस थीटा से शुरू करिएगा, फिर 180 माइनस थीटा भी, और आपको बताते जा रहे हैं, सबको एक एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक नहीं बार, हम तो कहेंगे 10 बार प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको याद हो जाए, याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही समझ जाइएगा बार बार रिपीट करने से। चलिए हम लोग 180 वाले पे चलते हैं। पहला साइन पाई माइनस थीटा, यानी पाई का मतलब 180 ना, तो 180 मतलब यहां से देखिए, जब 180 डिग्री चलेगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, एक्स अक्ष पे, यहां पे तो एक्स अक्ष पे क्या लिखा है, नो चेंज। अब नो चेंज का मतलब समझिए, यहां से नो चेंज का मतलब है कि जो यहां साइन है तो साइन ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला, साइन थीटा ही रहेगा, समझ रहे ना, यहां से समझ गए, नो चेंज में यही मीनिंग कह रहा है कि इसको साइन का साइन ही रहने देंगे। अब देखिए 180 तो यहां आया तो नो चेंज हो गया, और माइनस थीटा है तो माइनस थीटा होता ही किस में रह गया, सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाएगा, प्लस थीटा होता तो इसमें आ जाता, थर्ड में आ जाता, तो माइनस होता ही किस में रह गया, सेकंड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये साइन है, यहां नहीं देखना है आपको, यहां से देखना है, ये साइन है पॉजिटिव है, रहने देंगे ऐसे ही। दूसरा कॉस का देखिए, कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा पाई माइनस थीटा, तो पाई का मतलब यहां से 180 ये ना होगा, तो चेंज होगा कि नहीं, नहीं होगा, नो चेंज, कॉस थीटा। अब देखिए माइनस थीटा होने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक प्लस के, तो कॉस है, माइनस लगा दीजिए फटाक से। तीसरा टेन पाई माइनस थीटा, तो टेन पाई मतलब यहां से आ गया, ये एक्स एक्सिस पे रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, टेन थीटा ही होगा, और ये टेन है तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉस एक प्लस का होता, बाकी सब माइनस का। चौथा देखिए, फिर आप कॉट को देख लीजिए, कॉट 180 माइनस थीटा, तो कॉट का कॉट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि 180 की बात हो गई है ना, तो एक्स एक्सिस पे नो चेंज होता है, और माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो साइन और कॉस एक प्लस का, तो कॉट है, माइनस लगे फटाक से। पांच नंबर देखिए, इसके बाद बचता है सेक पाई माइनस थीटा, तो सेक पाई का मतलब एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे नो चेंज, सेक थीटा ही होगा। अब 180 माइनस थीटा, माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 में से जब थीटा का तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन और कॉसेक प्लस का, ये तो सेक है, माइनस लगाइए। छठा आपका बच गया कॉसेक का, कॉसेक पाई माइनस थीटा, तो कॉसेक आ गया, तो कॉसेक 180 यानी कि नो चेंज, और माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस का, तो इसमें देखिए ये वाला पॉजिटिव आया और ये वाला पॉजिटिव आया, बाकी सब निगेटिव, तो ये चेंज होगा कि नहीं यही सोचना है, है ना, और चेंज होगा तो किस में चेंज होगा ये ध्यान रखना होगा, और पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, इतना ही इसमें ध्यान रखना है। चलिए अब 180 प्लस थीटा को लेकर चलते हैं। पहला साइन पाई प्लस थीटा, तो 180 मतलब यही एक्स एक्सिस पे आएगा, तो यहां तो पहले आपको ये पता चल गया कि नो चेंज होगा, साइन थीटा ही होगा। अब सोचिए प्लस लगेगा कि माइनस, तो 180 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा होता है ये चल गया थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस का, बाकी सब माइनस का, ये साइन है ना इसलिए माइनस में। दूसरा कॉस 180 प्लस थीटा, तो कॉस 180 तो पहले तो नो चेंज होगा, और प्लस थीटा लगता ही वो आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस का माइनस में रह जाएगा। तीसरा टेन पाई प्लस थीटा, यानी कि 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा पहले तो नो चेंज लिखिए, टेन थीटा ही हो जाएगा, प्लस थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस का, तो इसलिए प्लस में ही रहेगा। चौथा आप कॉट का निकाल लीजिए, पहले कॉट पाई प्लस थीटा, तो कॉट पाई यानी कि 180 यानी कि नो चेंज, और प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। पांचवा देखिए सेक 180 मतलब पाई प्लस थीटा, तो 180 यानी नो चेंज, सेक थीटा ही होगा, और यहाँ प्लस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव ये देखिए, तो प्लस होते ही ये आ गया, प्लस थीटा होते ही थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये टेन और कॉट प्लस का, इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे। ऐसे ही छठा नंबर सेक हो गया। अब चलते हैं कॉसेक पे, कॉसेक पाई प्लस थीटा, तो कॉसेक का तो कॉसेक ही होगा, क्योंकि पाई प्लस थीटा है तो ये
एक्स एक्सिस पे मतलब नो चेंज। अच्छा प्लस होगा कि माइनस, तो प्लस थीटा होते ही ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो यानी कि माइनस लग जाएगा क्योंकि वहां तो टैन और कॉट प्लस का रखना है। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि कहां प्लस होगा कहां माइनस होगा और चेंज होगा कि नहीं होगा, बस इतना ही आपको ध्यान रख के बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 270 माइनस थीटा पे चलते हैं। साइन 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है, यानी 3π/2 मतलब 270 माइनस थीटा, तो 270 यहां से चलिएगा तो ये तो पहुंच जाएगा इस पे ना, यहां ना वाई एक्स पे, तो वाई एक्स पे चेंज करेंगे तो साइन है तो किस में चेंज करेंगे, कॉस में। आप देखिए 270 माइनस थीटा मतलब ये चल जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, ये तो 270 यहां आ गया और माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो टेन और कॉट प्लस का, ये तो साइन है ना इसलिए माइनस लगा दीजिए। दूसरा आपका है साइन हो गया, इसके बाद कॉस लीजिए 3π/2 माइनस थीटा, यानी कि 270 माइनस थीटा, तो कॉस का चेंज हो जाएगा क्योंकि ये वाई एक्स पे आ रहा है ना, तो चेंज हो जाएगा तो कॉस का साइन में चेंज होगा और चेंज होगा तो ये प्लस होगा कि माइनस, यहाँ ये कॉस है तो कॉस नहीं, यहाँ टेन और कॉट प्लस का होता है तो माइनस लगा दीजिए। तीसरा देखिए, तीसरा हम लोग लेके चलते हैं इसके बाद टेन का, टेन 3π/2 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा है तो 270 आते ही पहले चेंज करिए टेन का कॉट में, प्लस होगा कि माइनस, तो 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में रह गया, यानी कि ये टेन और कॉट प्लस का, तो ये टेन है ना इसलिए यहाँ प्लस का रहेगा, ठीक है। चलिए चौथा देखिए, कॉट 3π/2 माइनस थीटा, यानी 270 माइनस थीटा, तो कॉट का पहले यहाँ चेंज होगा कि नहीं, तो चेंज होगा तो कॉट का किस में चेंज हो जाएगा, टेन में, टेन में चेंज हो गया। अब देखिए माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन और कॉट प्लस का, तो ये कॉट है इसलिए यहाँ प्लस में रहेगा। पांचवा देखिए, पांचवा लेते हैं हम लोग सेक का, सेक 3π/2 माइनस थीटा, तो 3π/2 यानी 270 पहले चेंज करिए तो सेक का कॉसेक में चेंज करेंगे ना, कॉसेक में चेंज करेंगे और प्लस होगा कि माइनस ये बताइए, तो आप देख रहे हैं कि सेक है और सेक यहाँ नहीं, सेक माइनस में होता है क्योंकि टेन ही कॉट प्लस में होता है, चलिए माइनस लगा दीजिए। छठा कॉसेक का, कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा, तो कॉसेक है तो चेंज हो जाएगा ना, 270 माइनस थीटा में तो चेंज ही होगा, तो कॉसेक का हो जाएगा सेक में चेंज। अच्छा माइनस थीटा हो रहा है, माइनस थीटा तो ये तो किस में आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस का, तो बाकी सब माइनस में रहेगा ना। चलिए चलिए आप 270 प्लस थीटा पे चलते हैं। पहले लेते हैं साइन 3π/2 यानी कि 270 और प्लस थीटा के लेते हैं, तो पहला चीज की 270 आते ही आपका चेंज होगा क्योंकि ये वाई एक्स पे चलाएगा, तो चेंज करिए साइन के किस में चेंज करिएगा, तो कॉस में चेंज करिएगा। अब ये साइन थीटा है ना, तो यहाँ 3π/2 प्लस थीटा, यानी 3π/2 तो यही हो गया, 270 हो गया, प्लस थीटा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री कर जाएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यहाँ तो ये साइन है ना इसलिए माइनस लगेगा, ठीक है। यहाँ नहीं देखना है कि कॉस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस करेगा, आपको यहाँ से देखना है, ये चीज एकदम हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ देखना है। दूसरा हम लोग बात करते हैं कॉस 3π/2 प्लस थीटा, तो ये भी चेंज होगा क्योंकि वाई एक्स पे जाएगा, तो कॉस है तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। अच्छा प्लस होगा कि माइनस ये देखना है, तो 3π/2 और प्लस थीटा मतलब इसमें एंट्री कर गया, इसमें एंट्री कर गया तो कॉस और सेक प्लस का, तो ये कॉस है इसलिए प्लस में ही रहेगा, ठीक है। तीसरा देखिए, टेन 3π/2 प्लस थीटा, तो 3π/2 यहां से चलिएगा तो ये वाई एक्स पे आया है, टेन का कॉट हो जाएगा, प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस और सेक प्लस का, ये तो टेन है ना इसलिए माइनस लग जाएगा, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से चार नंबर देखिए, यहाँ पे चौथा देखते हैं कॉट का, कॉट 3π/2 प्लस थीटा, तो 3π/2 मतलब फिर ये वाई एक्स पे गया, तो वाई एक्स पे तो चेंज होगा, तो कॉट का किस में चेंज हो जाएगा, टेन में, और ये देखिए प्लस थीटा लगते हैं, ये चल गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस का, ये तो कॉट है इसलिए माइनस लग जाएगा, ठीक है। पांचवा देखिए यहाँ पे, अब क्या बचा सेक का, देखते हैं सेक 3π/2 प्लस थीटा, तो 3π/2 यानी कि चेंज हो जाएगा, सेक का किस में चेंज होगा, कॉसेक में चेंज होगा, और प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस का, तो सेक है ना तो पॉजिटिव रहेगा। चलिए छठा देख लीजिए, छठा में आप देखते हैं अब क्या बच गया, कॉसेक का, कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा, समझ रहे ना, यानी कि ये चल जाएगा
ये वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे नो, वाई एक्सिस पे चेंज हो जाएगा, तो कॉसेक का किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, और प्लस थीटा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉसेक माइनस का होता है, यहाँ नहीं देखना है आपको, यहाँ से देखना है, ठीक है, हर एक बार आपको बता रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब 360 माइनस थीटा को लेकर चलते हैं, साइन में चलते हैं, पहले साइन 360 माइनस थीटा, कोई दिक्कत है ऐसे लिखने से, या अगर हम ऐसे लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2π माइनस थीटा, 2π का मतलब 360 ही होता है ना, तो दोनों का मतलब एक ही है, तो 360 मतलब आप चलिए यहाँ पे आ गए आप x एक्सिस पे, 360 मतलब टोटल आ गया ना यहाँ से, तो x एक्सिस पे क्या होता है, नो चेंज, यानी कि साइन है तो साइन ही रहेगा, ठीक है, और माइनस थीटा मतलब इसी में रह गया, माइनस थीटा 360 में से, या 360 इतना हो गया, जब थीटा माइनस करिएगा, ये देखिए थीटा एक्चुअल में न्यून कोण लिया जाता है, जितने भी आप देखे हैं सब में ये न्यून कोण ही होगा, 0 से 90 के बीच में ही रहेगा, यानी कि वो तब इसका मतलब कि ये इसी में लाई करेगा, 360 माइनस थीटा मतलब किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप आइएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस, सेक और कॉस प्लस का होता है, कॉस और सेक प्लस का होता है, या तो साइन है ना, माइनस लगा दीजिए, दूसरा साइन हो गया, इसके बाद चलते हैं कॉस के पास, कॉस 2π माइनस थीटा, यानी 360 माइनस थीटा, तो 360 मतलब एक्स एक्सिस पे नो चेंज, कॉस का कॉस ही रहेगा, और माइनस थीटा लगने का मतलब कि ये रहा कि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ही, 360 तो ये हो गया, और माइनस थीटा मतलब एक्स इसी में रह गया, तो जब थीटा कोण इसी में रह गया, तो या तो कॉस और सेक प्लस का है ना, तो कॉस है इसलिए प्लस में रहेगा, ठीक। तीसरा देखिए, टेन 2π माइनस थीटा, तो 2π पे जाते ही यानी कि नो चेंज, और माइनस थीटा का मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो टेन माइनस का होता ही है। चलिए चौथा, चलिए कॉट का लेकर चलते हैं, कॉट 2π माइनस थीटा, तो कॉट 2π यानी कि चेंज करेंगे कि नहीं, चेंज नहीं होगा, क्योंकि 2π का मतलब यहाँ पे चला गया, ठीक है, यानी कि इसमें नो चेंज, और यहाँ पे माइनस थीटा मतलब ये फोर्थ ही क्वाड्रेंट में रह गया, यानी कि यहाँ कॉस और सेक प्लस का होता है, ये तो कॉट है इसलिए माइनस करा गया। पांचवा देखिए, सेक 2π माइनस थीटा, तो 2π की बात करिएगा, तो 2π मतलब x एक्सिस का मतलब नो चेंज, और माइनस थीटा है तो इसलिए फोर्थ ही क्वाड्रेंट में रह जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 में से आप सोचिए ना, 360 में से जब थीटा घटेगा तो ये इसी में ना आएगा, तो जब इसमें आ गया तो यहाँ कॉस और सेक प्लस का, तो ये सेक है इसलिए ये प्लस में रहेगा। समझ रहे हैं? चलिए छठा देख लेते हैं, कॉसेक का एक बच गया, कॉसेक 2π माइनस थीटा, तो 2π का मतलब नो चेंज, ये कॉसेक ही होगा, और माइनस थीटा करते हैं ये फोर्थ का दिन, फोर्थ का दिन में कॉस और सेक प्लस का है ना, यहाँ तो कॉसेक है इसलिए माइनस में आ जाएगा। समझ गया? चलिए अगला हम लोग 360 प्लस थीटा वाला देख लेते हैं। पहला साइन 2π प्लस थीटा, ठीक है, तो साइन 2π में चले गए, तो 2π मतलब यहाँ से यहाँ आ गए, x एक्सिस पे ही है, नो चेंज, ठीक है, तो साइन का साइन ही होगा, और प्लस थीटा आते ही, प्लस थीटा आते ही ये एंट्री कर जाएगा पहले क्वाड्रेंट में, 360 हो गया, और पहले क्वाड्रेंट में सब प्लस का, यानी कि ये प्लस में रहेगा। दूसरा आप बनाना चाहें कॉस 2π प्लस थीटा, तो पहला चीज की ये नो चेंज होगा, और ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तीसरा टेन की करनी चाहिए, टेन 2π प्लस थीटा, तो पहले तो 2π है तो नो चेंज होगा, यानी कि यहां से आपको ये पता चल गया कि टेन का टेन ही होगा, और पहले क्वाड्रेंट में चल जा रहा है तो ऑल पॉजिटिव होता है। चौथा देखते हैं कॉट का, कॉट 2π प्लस थीटा, तो कॉट का कॉट ही होगा, ये चल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, समझ गया, इसलिए पॉजिटिव। पांचवा देख रहे हैं सेक 2π प्लस थीटा, सेक 2π प्लस थीटा, यानी कि इसका सेक थीटा ही होगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव। छठा कॉसेक 2π प्लस थीटा, तो 2π प्लस थीटा आते ही इसका कॉसेक थीटा ही होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा इसलिए पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए दो तीन बातें आपको समझ में आई कि अगर पाई के मल्टीपल में दिया है, पाई दिया है, 2π दिया है ना, अगर आप चाहें साइन 3π का चेक करना तो भी आपको चेक करा के दिखा देते हैं। 3π तो 3π मतलब ये 1π यहाँ तक होगा 180, फिर 1π 2π और फिर ये 3π, यानी x एक्सिस इस पे आ गया, तो नो चेंज और प्लस थीटा मतलब ये एंट्री कर गया यहाँ पे, यहाँ तक आया था ना, तो इसमें एंट्री कर गया, तो इसमें टेन और कॉट प्लस का, तो ये साइन है इसलिए माइनस का। आप कोई जरूरत नहीं, आप जितना भी आप साइन छोड़िए, कॉस को भी ले सकते हैं, कॉस 5π माइनस थीटा को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देख लीजिए 5π मतलब 1π 2π 3π 4π और ये 5π यहाँ पे आ गया, तो इसमें भी नो चेंज।
कॉस का कॉस ही होगा, और माइनस थीटा है तो माइनस थीटा है, तो 5 पाई के बाद इसमें माइनस थीटा बाद इसी में रह गया, तो इसमें साइन और कॉस एक प्लस का, यहाँ तो कॉस है इसलिए माइनस का, समझ रहे ना। तो आप किसी को भी देख सकते, तो यहाँ से ये पता चला है कि पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, तो इसमें नो चेंज लेना है। और पाई बाई 2 के मल्टीपल में जब दिया हो, यानी कि पाई बाई 2 हो, 3 पाई बाई 2 हो, है ना, 5 पाई बाई 2 हो, तो ये सब जब रहेगा ना, तो इसमें चेंज किया जाता है, यानी कि जब ये वाई एक्स पे चलेगा तो चेंज होता है, एक्स एक्स पे नो चेंज होता है। तो आपको जितने भी इसमें ये एंगल के बारे में समझाएंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं प्रैक्टिस करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको तरीका बताइए दिए हैं, क्या करना है कि कहीं रफ में ऐसे खींच लेना है, आपको याद रखना कि इसमें ऑल पॉजिटिव, हिंट के लिए आप लिख सकते हैं इसमें साइन और कॉस एक, इसमें से टेन और कॉट, है ना, और यहाँ पे सेक और कॉस पॉजिटिव, और इसी के अनुसार चेंज होगा इस पे कि नहीं होगा। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे नो चेंज, और इस पे चेंज किया जाता है ऐसे लिखकर, और आप कैजुअली जितना जल्दी जल्दी हो सके इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा 10-15 बार जितना हो सके, क्योंकि नया चीज है ना ये, समझ में आ गया। लेकिन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा तब आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी इन सब फॉर्मूले को, तो ये सारे फॉर्मूले ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चैप्टर के शुरुआत में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले के ऊपर बात की थी, जैसे हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ सूत्र लिखे थे, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, और फिर दूसरा आपका लिखे थे कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू पी बटा बी, पी बटा बी, है ना। उसी तरह से चौथा लिखे थे हम लोग कॉसेक का, कॉसेक थीटा बराबर लिखे थे याद है एच बाई पी, और यहाँ पे पांचवा देखिए सेक थीटा बराबर लिखे थे एच बाई बी, और छठा देख लीजिए यहाँ पे कॉट का लिखे थे, कॉट का लिखे थे बी बाई पी, ये लिखे थे ना। और इसको आपको याद होना चाहिए, आप जब 9th 10th क्लास में होंगे तो आपको शॉर्ट में भी हम पढ़ाए होंगे, यहाँ पे एक डायरेक्टली आपको समझाते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, ये पी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, और टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। आप देखे थे ये फॉर्मूला, हम लोग पढ़े भी थे, और उसी के उल्टा होते हैं ये, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। ये तो आप फॉर्मूले आप देख चुके थे। अब देखिए इसी के आधार पे ये भी कुछ फॉर्मूले जो थे आप पढ़ चुके थे 10th क्लास में, कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, या इसको चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, देख लीजिए, या कि इंटू करेगा तो 1 ही ना आएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा, ठीक। अब देखिए इसको प्रूव करके आपको दिखा देते हैं, आपको करना क्या है इसमें, बहुत ही सिंपल है, आप चाहे तो LHS या RHS किसी से भी कर सकते हैं, तो चलिए RHS ही लेते हैं इसका। RHS में है 1 बाई कॉसेक थीटा, तो 1 बाई कॉसेक थीटा का यहाँ से फॉर्मूला लिख लीजिए एच बाई पी, ये ऊपर चला जाएगा ना, यानी पी बाई एच हो जाएगा, तो पी बाई एच किसका फॉर्मूला होता है, साइन का होता है कि नहीं, ये प्रूफ हो गया कि 1 बाई कॉसेक साइन के बराबर होता है। उसी तरह दूसरा फॉर्मूला देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होता है, है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। अच्छा, उसी तरह से तीसरा, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, तीसरा देखिए, तीसरा हम लोग देखते हैं, ये जितने भी फॉर्मूले आपको याद है पहले से ही, लेकिन फिर भी रिपीट करा दे रहे हैं आपको। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉट थीटा, इसको भी आप उसी तरह प्रूफ कर सकते हैं जैसे ऊपर बताए हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, या ऐसे कर सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा, ये भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ और दो फॉर्मूले हम लोग देखे थे, और क्या फॉर्मूले थे, तो एक था टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और दूसरा था पांच नंबर आप यहां लिख देते हैं कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, तो इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका जैसे 4 नंबर कहीं देखिए, इसका RHS लीजिए यहां पे, RHS में क्या है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई एच, और इसका होता है बी बाई एच, तो एच एच कट जाएगा,
पी बाई बी बचेगा तो पी बाई बी किसका फॉर्मूला था, टेन थीटा का ना, ये प्रूफ हो गया कि नहीं। तो इसी तरह इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आपको दोबारा हम लोग बता दिए, क्योंकि ये टॉपिक आप उसमें अभी जितना भी पढ़े हैं, आप जितने भी तीन चार पार्ट इसमें पढ़ लिए उसमें ये चीज नहीं था, ठीक है, इसलिए दोबारा आपको बता दिए, क्योंकि ये टेंथ क्लास में आप पढ़े हैं तो इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पहले से भी पता होना चाहिए ये सब। और भी कुछ आइडेंटिटी था जिसका हम लोग पिछले वीडियोज में देख चुके हैं, जैसे आप आइडेंटिटी देखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, ठीक है, इसका भी यूज करेंगे आगे। आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर देखे थे वन, और तीसरा क्या देखे थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। लेकिन यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कुछ कंडीशन भी था, यहाँ थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इसके लिए बताए थे, इसके लिए कि थीटा कोई भी रियल नंबर होगा, थीटा कोई भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, बस किसको छोड़कर, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू, ये तो याद ही है, पहले से आपको लिखवाए हुए हैं। चलिए वो कंडीशन आप देख लीजिएगा वहां से भी, या यहाँ इसके लिए भी था कि थीटा बिलोंग्स टू r n पाई को छोड़कर, n बिलोंग्स टू z, ठीक है, ये तीसरे के लिए था। तो ये आपको पहले भी बता चुके हैं, आप वहां से भी समझ चुके हैं। तो जितने भी आइडेंटिटी देखे या जितना भी कुछ अभी तक चार पार्ट में देखे, इसका उपयोग हम लोग आगे के पार्ट में, आगे एक्सरसाइज में करने वाले। तो प्लीज आप टोटल टॉपिक्स जो है ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखे कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं। और इससे रिलेटेड आपको लिंक की जरूरत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सअप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।